आज दुनिया बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रही है। दुनिया में हो रहे झगड़ों से लेकर निजी जिंदगी की परेशानियों तक आधुनिक जीवन की पेचीदगियां हमें घेरे हुए हैं। ऐसे में खुद को भटका हुआ और इन उथल पुथल भरे समय में आगे कैसे बढ़ें ये समझ नहीं आता। लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच प्राचीन ज्ञान हमें आशा की किरण दिखाता है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की शिक्षाएं हमें सार्थक और संपूर्ण जीवन जीने के लिए अनमोल सिद्धांत देती हैं। हालांकि वो सदियों पहले हुए थे, लेकिन उनकी बातें आज भी हमारी समस्याओं के लिए बिल्कुल सही है ही। आज हम पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे शहर गतिविधियों से भरे हुए हैं, जहां टेक्नोलॉजी हमारे रोजमर्रा के जीवन में रच बस गई है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम अपने उपकरणों के जरिए दुनिया से लगातार जुड़े रहते हैं। टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को छोटा कर दिया है, जिससे हम एक दूसरे के करीब आ गए हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से तुरंत बात कर सकते हैं, अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं। इस डिजिटल एज ने दुनिया को और भी छोटा, ज्यादा सुलभ और ज्यादा करीब बना दिया है। लेकिन यह जुड़ाव हमारे बीच के मतभेदों को भी उजागर करता है। इस ग्लोबल विलेज में हमें अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का अनुभव होता है। यह विभिन्नताएं हमारी ताकत और सुंदरता का स्रोत हो सकती है, लेकिन ये गलतफहमियों और झगड़ों का कारण भी बन सकती है। अलग अलग विचारधाराओं, राजनीतिक विचारों और सांस्कृतिक मूल्यों के कारण झगड़े होते हैं। हमारी इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में यह झड़पें और भी ज्यादा दिखाई देती हैं और तुरंत सामने आ जाती हैं। जब लोग अपनी बात मनवाने और अपने हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं, तो हम विरोध प्रदर्शन, बहस और कभी कभी हिंसा भी देखते हैं। सत्ता और संसाधनों के लिए संघर्ष इन मतभेदों को और बढ़ावा देते हैं, जिससे डर और अनिश्चितता का माहौल बनता है। राजनेता उन नीतियों पर बहस करते हैं जिनका असर लाखों लोगों पर पड़ता है, जबकि संसाधनों की अंधाधुंध खोज से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और सामाजिक अशांति फैलती है। व्यक्तिगत स्तर पर हमें अपने अंदर के द्वंद्वों का सामना करना पड़ता है। आधुनिक जीवन की जरूरतें हमें परेशान कर सकती हैं। हम काम, परिवार और अपनी इच्छाओं के बीच जूझते रहते हैं और अक्सर खुद को अलग अलग दिशाओं में खींचा हुआ महसूस करते हैं। आधुनिक जीवन का प्रेशर, सफलता पाने की चाहत, असफलता का डर, पीछे न छूट जाने की चिंता हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। काम पर डेडलाइंस का प्रेशर होता है और अच्छा प्रदर्शन करने का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। हम उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं, अक्सर अपने स्वास्थ्य और खुशी की कीमत पर। हमें हर समय इतनी ज्यादा जानकारी मिलती रहती है कि हमारे पास शांत रहकर सोचने का समय ही नहीं बचता। हर समय आने वाली खबरें, सोशल मीडिया अपडेट्स और कभी न रुकने वाले नोटिफिकेशंस हमें हर समय व्यस्त रखते हैं, जिससे आत्मनिरीक्षण के लिए बहुत कम जगह बचती है। हर समय व्यस्त रहने की वजह से हमें तनाव, चिंता और खुद से और अपने आसपास की दुनिया से कटा हुआ महसूस होता है। ऐसे में अपने स्वास्थ्य के लिए शांति और एकांत के पल बिताना बहुत जरूरी हो जाता है। ध्यान, कुदरत के करीब टहलना और शांत रहकर सोचना हमें खुद से जोड़ने और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में संतुलन बनाने में मदद कर सकते हैं। महावीर की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है अनेकांतवाद का सिद्धांत। यह अवधारणा सच्चाई के बहुआयामी स्वरूप पर जोर देती है। यह हमें अलग अलग नजरियों से स्थितियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह समझते हुए कि किसी एक व्यक्ति या समूह के पास पूरी सच्चाई नहीं होती। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर कठोर राय और विश्वासों से बंटी हुई है, अनेकांतवाद एक नया विकल्प प्रदान करता है। यह बातचीत समझ और सहानुभूति को प्रोत्साहित करता है। अलग अलग दृष्टिकोणों की वैधता को स्वीकार करके हम मतभेदों को दूर कर सकते हैं और एक ज्यादा सामंजस्यपूर्ण समाज बना सकते हैं। महावीर की शिक्षाएं हमें मानव जीवन को गहराई से समझने में मदद करती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही उनकी शिक्षाएं आज भी उन लोगों को प्रभावित करती हैं जो जिंदगी और मन को गहराई से समझना चाहते हैं। उन्होंने माना कि अक्सर हमारे दुख का कारण हमारा अपना मन होता है। मन का लगातार बड़बड़ाना, बेवजह की चिंताएं और अधूरी इच्छाएं हमारे अंदर तूफान मचाती रहती हैं। हम क्षणभंगुर सुखों और भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं, यह मानते हुए कि इन्हीं में खुशी का राज छुपा है। नए गैजेट्स, महंगे कपड़े और शानदार अनुभव हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये लगातार चाहत हमें इच्छा और असंतोष के चक्र में फंसा देती है, जिससे हम खालीपन और असंतुष्टि महसूस करते हैं। हम जितना ज्यादा पाते हैं उतना ही ज्यादा चाहते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है, जिससे हमें अक्सर खालीपन का एहसास होता है।
महावीर ने हमें शिक्षा दी कि सच्ची खुशी हमारे अंदर ही होती है। उनका मानना था कि अपने अंदर झांक कर हम शांति और संतोष का ऐसा स्रोत खोज सकते हैं जो हमें बाहरी चीजें कभी नहीं दे सकती। अपने अंदर शांति और संतोष पैदा करके हम चाहत और विरोध के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान, माइंडफुलनेस और आत्मनिरीक्षण जैसे अभ्यास हमें मन को शांत करने और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। उन्होंने आत्मनिरीक्षण ध्यान और नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया ताकि हमें आंतरिक शांति मिल सके। करुणा, ईमानदारी और सादगी का जीवन जीकर हम जिंदगी की गहरी सच्चाइयों के साथ जुड़ते हैं। दयालुता और दूसरों की सेवा करने से न केवल हमारे आसपास के लोगों को फायदा होता है बल्कि इससे हमें भी संतोष और खुशी मिलती है। महावीर की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची शांति इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या है बल्कि इस बात में है कि हम कैसे जीते हैं और दुनिया से कैसे जुड़ते हैं। जब हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हम अपने मन को काबू करना शुरू कर देते हैं और उस शांति को पा लेते हैं जो हमेशा से हमारी पहुंच में थी। यह सफर मुश्किल हो सकता है लेकिन इसके परिणाम अद्भुत और स्थायी होते हैं। हमारा शरीर हमारा मंदिर है, हमारे शरीर पवित्र हैं, बिल्कुल मंदिरों की तरह, जिनकी देखभाल और सम्मान करना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने शारीरिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना बहुत आसान है। रोजमर्रा की भागम भाग में अक्सर हमारे पास अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय ही नहीं बचता। हम घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, कसरत और ताजी हवा से दूर। इस तरह बिना शारीरिक गतिविधि वाले जीवन शैली से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पीठ दर्द, रियर की हड्डी का झुकना और ऊर्जा के स्तर में कमी। प्रोसेस्ड फूड और मीठे पेय पदार्थ हमारे खान पान का एक अहम हिस्सा बन गए हैं जिससे स्वास्थ्य समस्याओं में तेजी से वृद्धि हुई है। यह अस्वास्थ्यकर विकल्प मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग का कारण बनते हैं जिससे हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। महावीर ने हमें अपने शरीर के साथ सम्मान से पेश आने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षा दी कि हमारा भौतिक शरीर हमारी आत्मा का मंदिर है और आध्यात्मिक विकास के लिए इसके स्वास्थ्य को बनाए रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने एक साधारण प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने की वकालत की जिसमें पौष्टिक भोजन और नियमित व्यायाम पर जोर दिया गया। ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज हमारे खान पान का आधार होना चाहिए। उनका मानना था कि एक स्वस्थ शरीर के लिए एक स्वस्थ मन और आत्मा का होना बहुत जरूरी है। ध्यान और योग जैसे अभ्यास संतुलित अवस्था प्राप्त करने में मदद करते हैं जिससे आंतरिक शांति और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। अपने शरीर का ध्यान रखकर हम अपने मन और आत्मा के लिए एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाते हैं। घर में सुख शांति। परिवार हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर भी अपनों के साथ रिश्ते अक्सर तनाव और झगड़े का कारण बन सकते हैं। महावीर की शिक्षाएं हमें परिवार के भीतर मधुर रिश्ते बनाने का मार्गदर्शन करती हैं। उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय सहानुभूति, धैर्य और समझ का महत्व बताया। उन्होंने हमें अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर प्यार, सम्मान और एक दूसरे का साथ देने पर जोर देने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रकृति के साथ संतुलन में रहना। आज हम पर्यावरण संबंधी जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वे इस बात की याद दिलाती हैं कि हम प्राकृतिक दुनिया से कितने जुड़े हुए हैं। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्रदूषण हमारे गलत और अस्थिर तरीकों और व्यवहार का नतीजा है। महावीर की शिक्षाएं हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने का महत्व बताती हैं। उन्होंने हमें साधारण जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। हमें सिर्फ उतना ही उपयोग करने के लिए कहा जितनी हमें वास्तव में जरूरत हो और पर्यावरण पर हमारे प्रभाव को कम से कम करने के लिए प्रेरित किया। एक बेहतर भविष्य की राह। महावीर की शिक्षाएं हमें एक बेहतर और दयालु दुनिया बनाने का रास्ता दिखाती हैं। अहिंसा, सच्चाई और अस्तेय न करने के सिद्धांतों को अपनाकर हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जो न्याय, समानता और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान को महत्व देता हो। सादा जीवन जीने पर उनका जोर हमें पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम करने का तरीका बताता है। कम खर्च करके, कम बर्बाद करके और प्रकृति की अनमोल चीजों की कदर करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। महावीर की शिक्षाओं की खूबसूरती उनकी सार्वभौमिकता में है। वे सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे हैं और सभी के लिए लागू होने वाला ज्ञान प्रदान करती हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र या पृष्ठभूमि से क्यों न आते हों।
वे सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे हैं और सभी के लिए लागू होने वाला ज्ञान प्रदान करती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र या पृष्ठभूमि से क्यों ना आते हों। चाहे हम आंतरिक शांति की तलाश कर रहे हों, मधुर रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हों, या एक बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हों, महावीर के सिद्धांत हमें एक सार्थक और संतुष्ट जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची खुशी भौतिक वस्तुओं या बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, करुणा और ज्ञान को विकसित करने से मिलती है। कार्यवाही का आह्वान। एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर फूट और कलह होती रहती है, महावीर की शिक्षाएं हमें आशा और एकता का संदेश देती हैं। वे हमें हमारी साझा मानवता और सभी जीवित प्राणियों के साथ हमारे संबंध की याद दिलाती हैं। अहिंसा, सच्चाई और सादा जीवन जीने के उनके सिद्धांतों को अपनाकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां शांति, सद्भाव और स्थायित्व बना रहे। आइए हम इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करें और अपने घरों, समुदायों और पूरी दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने वाले बनें।